तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग। और आज जाना है मुझे गाड़ी लेके देवगिरी एक्सप्रेस में पायलट नांदेड़। और वहां से गाड़ी रहेगा तो पहले तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बोली हाँ भाई ठीक है ठीक है। मुझे लगा कि जाना है फिर वहां से सीधा परली पहुंच जाना, लेकिन अभी पता चला उसने बताया भी नहीं जाकर वहां साइन अप करना है सीसी ने। तो अभी मुझे पता चला कि हाँ जाना तो है नांदेड़, लेकिन वहां पे साइन अप करना है और शाम के 4 बजे गाड़ी है परली के लिए। तो सुबह सुबह की ट्रेन में खाना बनाने वाला लफड़ा रहता है, लेकिन ये अच्छा चीज़ है कि यहाँ से 8:15 का डिपार्चर है देवगिरी का और 9 बजे मैं नांदेड़ रहूंगा। मस्त तो वहीं पे जाके नाश्ता वास्ता करेंगे रनिंग रूम में, और नांदेड़ का रनिंग रूम बहुत खतरनाक है। तो चलो जल्दी से रेडी होते हैं और पहुंचते हैं। वाह वाह म्यूजिक सुनो म्यूजिक। तो देखो मैं हो चुका हूँ रेडी और मुझे एक शायरी याद आ रहा है, वो नहीं चलता है हम लड़के हैं जनाब, तो वही वाला कि हम लड़के हैं जनाब हम किसी के भी सपने में खो जाते हैं और हम मैगी से भी जल्दी 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं। हाँ यार हम लोग तो 2 मिनट में रेडी हो जाते हैं, फिर 1 मिनट 1 घंटा 58 मिनट एक्स्ट्रा बचता है। और लड़कियों के लिए क्या होता होगा उल्टा, 1 घंटा 58 मिनट रेडी होने में लगता है, 2 मिनट एक्स्ट्रा बचता है। तो अब स्टेशन से हॉर्न सुनाई दे रहा है तो मुझे अब निकलना चाहिए। नहाने धोने का प्रोग्राम जो भी हो तो रनिंग रूम में ही कर लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सुबह सुबह ठंडा लग रहा है और रनिंग रूम में गीजर वगैरह लगा रहता है गर्म पानी, तो वहीं पे एक प्रोग्राम कर लिया जाएगा। तो अभी बस अभी गो अभी बस मैं निकल रहा हूँ, मिलते हैं आराम से साइन ऑन करके देवगिरी एक्सप्रेस में। आराम से बैठ के ही जाना है और आधे घंटे का रास्ता है नांदेड़ से पूर्णा, फिर वहाँ पे 14-15 घंटे आराम से सोना है, 14-15 घंटे नहीं 12 घंटे 9 घंटे ऐसे कुछ। तो मिलते हैं आराम से, मिलते हैं देवगिरी एक्सप्रेस में। देखो यहाँ मैं पहुँच गया अपने स्टेशन पे और यहाँ से बस पायलट जाना है, लेकिन ये वाला गाड़ी नहीं है वो दूसरा गाड़ी है। तो जल्दी से लॉबी जाएंगे साइन ऑन करेंगे, हमारा गाड़ी आएगा और पहुँचेंगे नांदेड़। साइन अप वगैरह हम कर चुके हैं और अब बस हमारा प्लान है नाश्ता करने का, क्योंकि रनिंग रूम का खाना वैसे भी मैं नहीं खाता हूँ। तो अब बस साइन अप करना है, साइन अप करते हैं। अरे साइन अप कर चुके हैं, सॉरी साइन अप कर चुके हैं और अब बस नाश्ता करने जा रहे हैं, क्योंकि रनिंग रूम का वही हाल है खाने का, इडली। और इडली आई डोंट लाइक इडली। चलो देखते हैं चाय वगैरह पियेंगे उसके बाद जाएंगे, यूनिफॉर्म वगैरह खोलेंगे, अभी बैग वैग पीठ पे ऐसे पड़ा हुआ है तो साइन अप कर ले रही। और भजिया ले आओ। और भजिया भजिया कितने टाइप का है? मिर्ची वाला यार नहीं है? हाँ ले आओ मिर्ची वाला ले आओ। चलो भजिया में भी टाइप है, ये 10 रुपए का बिरयानी आलू बिरयानी है ये। तो फाइनली नाश्ता वास्ता कर चुके हैं और अब रनिंग रूम, और इधर थोड़ा हल्ला गुल्ला होते रहता है, स्टेशन है अगल बगल ही तो थोड़ा शांत माहौल नहीं मिलता, लेकिन फिर भी लगुला होता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो चलते हैं बेड वेड लगवाते हैं। नाश्ता मैं कर चुका हूँ यहाँ का, मतलब यहाँ क्या क्या कहीं का रनिंग रूम करा, नाश्ता तो मुझे पसंद नहीं आता, रहता अच्छा है मुझे पसंद नहीं आता क्योंकि इडली उडली मैं नहीं खाता। तो ये है हमारा रनिंग रूम। तो ये वाला एक नया रनिंग रूम है नांदेड़ का, जो कि काफ़ी शानदार बनाया गया है, बहुत शानदार बनाया गया है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि थोड़ा सा यहाँ पे साउंड आते रहता है ट्रेन वगैरह का, और फिर आजू बाजू क्योंकि नीचे से ही पूरा गुजरते हैं लोग तो उस चीज़ का भी साउंड आता है। और ये मैं एंट्री कर रहा हूँ क्योंकि अगर कॉल बुक आएगा तो उन लोगों को ढूंढने में आसानी होगा कि मैं किस रूम में किस बेड पर सोया हुआ हूँ, तो ये यहाँ पर लिखा जाता है। तो यार रेलवे को जो भी मैनेज करते हैं ना बहुत सही तरीके से। देखो ये भी दिमाग अच्छा लगाएगा भाई, बेड नंबर लिख दो। तो यहाँ पे मैं बेड नंबर अपना एंटर करूँगा, फिर उसके बाद मेरा बेड लगेगा। तो
जो कि ये हमारे अंकल जब बेड लगा के जा रहे हैं, बहुत बढ़िया है। और ये बाथरूम में देखो, ये जिसने भी साला बनाया है एक्सपायर बीड़ी पुक के बनाया होगा, मतलब इसमें दो नल है और साला हर बार मैं भीग जाता हूँ, कभी इधर से पानी आ जाता है नल खोलने के चक्कर में। तो जिसने भी बनाया अगर मिल जाए ना, मिलेगा ही नहीं बहन, मर गया होगा। और ये देखो ये पूरा नजारा। तो देखो अब 3 बजे यहाँ से जाना है, तो मैं अब आराम से रेस्ट करूँगा, सोऊंगा, जगेंगे, मिलेंगे। और रास्ते में आ रहा था मैं तो ऐसे स्लीपर में घुसे और एसी तक जाते जाते हम लोग नांदेड़ पहुँचे। एक उसमें आदमी था, वो बोला कि हम लोगों को देखिए, अरे जानते हो ये लोग कौन है? रेलवे वाले। मैं सोचे हैं इतना खास आदमी है, हमको ही नहीं पता है होता है होता है। तो अब मैं सोने जा रहा हूँ, जगेंगे आराम से, रेडी होंगे तो मिलेंगे 4 बजे। जब बिना मेहनत किए खाना मिलता है तो बहुत ही मजा आता है। यहाँ पे मैं ठूस ठूस के खाना खा रहा हूँ क्योंकि मेरा ड्यूटी जाने का टाइम अब हो ही चुका है। खाना खा चुके हैं और बस अब रेडी होने का टाइम आ चुका है, तो रेडी होंगे और मैं यहाँ से निकलूँगा, स्नान वगैरह करेंगे रेडी होकर, और पहुँचना है प्रदीप। फिर उधर से भी कोई गाड़ी रहेगा, वैसे ये वाला गाड़ी मैं पहली बार वर्किंग जा रहा हूँ और हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा होगा और मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही है कि यहाँ से देखो ये है, तो इधर ये खाली जगह है, उधर हमारा सीटिंग एरिया है उधर, और इधर स्लीपिंग एरिया, ये रनिंग रूम है हम लोगों का। तो चलो जल्दी जल्दी मैं जा रहा हूँ, रेडी होता हूँ, साइन ऑन करता हूँ, गाड़ी का चार्ज लूँगा और इसके आगे सीधा पहुँचते हैं परली। तो मिलते हैं आराम से परली में। तो आराम से मैं रेडी वेडी हुआ, अपना बैग वैग पैक किया, पीठ पे टांगा मतलब कि झोला उठाए, और हम अपना निकल पड़े ड्यूटी के लिए, जो कि अभी परली जाना है मुझे आराम से। भाई साहब गाड़ी हमारा अच्छा खासा लेट हो गया और अभी 9:40 में पहुंच रहे हैं 7:40 की जगह पे, और लोग आके बोल रहे थे सर, एक बोला कि सर जल्दी गाड़ी ले चलो, बेबी फोन कर रही है, मारने लगेगी, बेबी खोज रही है, बुला रही है। तो हाँ अभी पहुँचे हैं, अब खाना वाना खाएंगे, बहुत लोग भी परेशान हो गए, एक ही जगह 1.5 घंटे 1 घंटे रोक, तो खाना खाते हुए मिलते हैं, पहले चेंज तो कर लें। देखो रात में मुझे इतना थकान हो गया था ना कि मैं डायरेक्ट जाके सो गया, और उसके बाद फिर अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और बहुत मुश्किल से जगता है आदमी, शक्ल ही देख के पता चल जाता है कि हाँ क्या हालत है अभी। और स्टेशन पे तो थोड़ा मोड़ा शोरगुल वैसे चलता है, और अब जाएंगे हम लोग साइन ऑन करेंगे, मैं, मेरे गार्ड साहब और ड्राइवर साहब, और गाड़ी लेके पैसेंजर है तो 2 घंटे लगता है आदिलाबाद जाने वाला गाड़ी, आराम से पहुँच गए ये पूर्णा, और ये गाड़ी अब चला जाएगा यार्ड में। और मैं पहुंचा ये ओवरब्रिज से, देख लो BCN जो है ऐसे शांत लग रहा है, आवाज़ सुनो इसका। तो भाई देखो बहुत मुश्किल से आ चुके हैं हम पूर्णा, और आज का ट्रिप बहुत लंबा हो गया। हाँ अभी ये वाला ड्यूटी बस 2 घंटे का हुआ है मेरा, 2 घंटे से ज़्यादा का नहीं हुआ है, और अभी तो ट्रेन ये BCN वगैरह चल ही रहा है। तो बस अब मुझे क्या करना है, 2 घंटे का ड्यूटी करने के बाद बस चाय वाय पीना है, जाके नाश्ता वास्ता करना है, और उधर से गाड़ी नंबर था 07852। और ऐसा है कि आज मज़ा आ गया, बहुत घूम लिए, पहले पूर्णा से नांदेड़, नांदेड़ से परली, परली से फिर पूर्णा, आदिलाबाद जो गाड़ी जाता है वो लेके आए हैं, तो पैसेंजर गाड़ी काम करने में मज़ा आ जाता है। तो अब मैं जा रहा हूँ बस रेस्ट करने, यार सुबह 4 बजे की जगह है तो नींद भी पूरा ही है, हर रात के 12 बजे अवेलेबल हो रहे हैं, और पोजीशन थोड़ा सा ख़राब है, पोजीशन ख़राब होने का मतलब कि लड़के कम अवेलेबल हैं। तो चलो ठीक है, अब मैं चला रेस्ट करने, आराम से चाय वाय पी के मिलेंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, अपना ख्याल रखो, हाँ जो हमेशा बोलता हूँ, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखो।